Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic chemistry in everyday life and the subtopic is food preservatives. So yahan pe hame food preservatives ke bare mein baat karni hai ki food preservatives kya hota hai aur inka action kis tarike ka hota hai. Food preservatives bahut sare types ke hote hain, jaise hum यहाँ पे टेबल सॉल्ट यूज कर सकते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, या फिर वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, या बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है कौन सा, सोडियम बेंजोएट एंड एसेट्रा. देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव. यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनिक ऑयल. सॉर्बिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड के सॉल्ट किस तरीके से फूड के प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं. तो देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें सॉर्बिक एसिड की और प्रोपेनोइक एसिड की, तो दोनों में क्या है, यहाँ पे एसिड है, राइट. ये फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह कैसे एक्ट कर सकते हैं, सो लेट अस राइट व्हाट आर फूड प्रिजर्वेटिव्स. व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स? फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं द सब्सटेंसेस, और यू कैन से फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट क्या करता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड को रोकता है. प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो होते हैं वो फूड से अटैच होकर उनको ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और उस वजह से क्या होता है, उनका स्पॉइलेज हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं, रॉटन हो जाते हैं, और फिर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसान करते हैं. तो इसलिए हमें फूड को क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा. सो लेट अस राइट हियर, यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. ये बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. ओके, सो लेट अस राइट हियर, यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड. ये क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, ये क्या है, एसिड है. ये कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं क्या, ग्रोथ. लेट अस सी, लेट अस राइट हियर, दीज केमिकल्स मतलब किल नहीं करते हैं, पर उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं. केमिकल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ yeast या bacteria और इनकी ग्रोथ को ये लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं. इस वजह से इनकी जो यू नो डुप्लीकेशन का मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. अब ये किस तरीके से इनकी ग्रोथ को कम करते हैं, किस तरीके से इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, देखिए ये दोनों क्या है, एसिड है. They both are acid. They both are acid. तो अगर आप एसिड को फूड में डिसॉल्व करेंगे तो क्या फूड का पीएच कम हो जाएगा, दे लोअर द पीएच ऑफ फूड. और अगर फूड का पीएच कम हो गया है तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं जो कम पीएच पे सरवाइव नहीं कर पाते. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैनॉट सरवाइव इन लोअर पीएच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाते हैं. सो द ग्रोथ इज इनहिबिटेड, द
the growth is stopped या inhibited. इस तरीके से ये दो acids हमारे preservatives की तरह act करते हैं. Hope you understood the explanation. Thank you.